नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुस्नेल। पिछले एक सप्ताह में आंध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई है। इस जलजले में कई ट्रेनें और वाहन फंसे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और मारे गए हैं, जबकि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 34 पहुँच गई है। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 10 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। ये जानकारी राज्य सरकार ने 22 नवंबर को दी है। SPS नल्लौर जिले के पादुकोड़ा के पास क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद विजयवाड़ा चेन्नई खंड में एक रेलवे लाइन को 22 नवंबर को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया। बता दें कि चेन्नई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 16 को भी वाहनों के आवागमन के लिए आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। ये 20 नवंबर देर रात से SPS नेल्लौर जिले से कटा हुआ था। चितूर, अंतपुर, कडप्पा और SPS नेल्लौर जिले में बाढ़ पर विधानसभा में बयान देते हुए कृषि मंत्री के कन्ना बाबू ने कहा कि 34 मृतकों में बचाव दल के 3 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान में जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार को 25-25 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें, कन्ना बाबू ने कहा कि बाढ़ में 8 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान पहुँचा है, जिससे 5,33,345 किसान संकट में है। मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में फसल के नुकसान की विस्तृत गणना की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 80% सब्सिडी पर नए बीज की आपूर्ति करने का फैसला किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। इन 4 जिलों में 50,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।